सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण बुक अध्याय संख्या 11 और इस अध्याय का नाम है क्रिया। आज हम लोग जानेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? बैठा है, बैठा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, रो रहा है, लिख रहा है, बैठा है, उड़ रहा है, रो रहा है, लिख रहा है। इन सभी शब्दों से क्या पता चल रहा है? किसी कार्य का होने का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य का किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। अतः इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। अतः इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्रश्न 1, क्रिया की परिभाषा लिखिए। उत्तर, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्रश्न 2, धातु किसे कहते हैं? Thank you.
उत्तर क्रिया की मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रश्न 3 क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया की कितने भेद होते हैं। उत्तर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और क्रिया। प्रश्न 1 क्रिया की परिभाषा लिखिए। उत्तर किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्रश्न 2 धातु किसे कहते हैं। उत्तर क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रश्न 3 क्रिया के कितने भेद होते हैं। उत्तर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न 4 सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। उत्तर जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे
क्रिया कहते हैं। प्रश्न 5, दुई मर्ग क्रिया किसे कहते हैं? द्विकमर्ग क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उस क्रिया को द्विकमर्ग क्रिया कहते हैं। प्रश्न 4, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न 5, द्विकमर्ग क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे क्रिया को उस क्रिया को द्विकमर्ग क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे माँ ने बच्चों को दूध पिलाया मैंने नेहा को मिठाई खिलाई। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, मैंने नेहा को मिठाई खिलाई। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है पार्ट 11 क्रिया के प्रश्न उत्तर अपने उत्तर
उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।